एक्स लिख के सर्च करिए। जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड में लिंक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कराने, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन जारी की गई है कि 31 मार्च 2023 तक आप अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का के तरह ही रह जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो एकदम काम नहीं करेगा। दोस्तों बात करते हैं, आपका यदि पैन कार्ड आधार से लिंक है तो इसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं लिंक है, क्योंकि आप ऐसे किसी साइबर कैफे पे जाएंगे तो वहाँ यदि आपका पैन में आधार लिंक होगा तो भी वो आपसे 1000 रुपये ले सकता है, कहेगा कि नहीं नहीं लिंक है। तो आप घर बैठे आराम से इसको कर सकते हैं बिना किसी भी मिस्टेक के। तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे करना है, आप चेक कर सकते हैं आपका लिंक है कि नहीं लिंक है, यदि नहीं लिंक है तो कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, चलिए करके दिखाते हैं आप। आपके पैन कार्ड में आधार लिंक है या नहीं चेक करने के लिए आप मोबाइल के अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए। यहाँ से सिंपल में सर्च करिए इनकम टैक्स आते हैं, यहाँ सर्च कर दीजिए, इनकम टैक्स वेबसाइट मिल जाएगा। अच्छे से इसको देखने के लिए मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट देखिए, मैंने ऐसे कर दिया, ऊपर आपको दिखेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सिंपल इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे ई फिलिंग 2.0 का पोर्टल खुल जाएगा। ई फिलिंग 2.0 आते ही नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया होगा लिंक आधार स्टेटस, इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पेज लोड लेगा। पेज लोड लेने के बाद यहाँ इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। ऊपर देखेंगे स्टार मार्क लिखा होगा, पैन नंबर यहाँ लिख देना है आपको, नीचे आधार नंबर लिख देना है, उसके बाद नीचे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देना है। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपना पैन नंबर इसमें डालता हूँ और आधार नंबर, देखिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड और आधार नंबर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए लिख के आएगा योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवेन आधार नंबर, तो इसका मतलब आपका आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड में लिंक है, आपको लिंक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च तक वही लोग कराएंगे लिंक जिनका पैन में आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको लिंक आधार, सिंपल इसी पे हमको क्लिक कर देना है। पेज लोड लेगा। पेज लोड लेने के बाद यहाँ पे देखिए इंटर डिटेल्स वेरिफिकेशन स्टेटस, ये 3 चरणों में होगा आधार को लिंक करने के लिए। यहाँ पैन नंबर डाल देंगे, यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ से वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद 1000 रुपये का पेमेंट कटेगा, उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। यदि आपको वीडियो चाहिए कि कैसे घर बैठे हम कर सकते हैं मोबाइल से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक, तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द ही इस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद और बाय।